अमेरिका तो बहुत पहले से ही चीन को चैलेंज करता रहा है कोरोना के मसले पर। चीन का गुनाह कौन नहीं जानता। उसके बाद भारत के साथ चीन ने साजिश की। एलएसी पर जो अमानवीय बर्ताव जवानों के साथ हुआ उसके लिए कूटनीतिक घेरेबंदी तेज हो गई है। चीन को आर्थिक झटका देने के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। देश लोकल के लिए वोकल हो चला है। मेड इन चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। जो मुहिम चल पड़ी है उसे देखकर चीन बौखलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। जो गलती गलवान में की उसकी सजा हिंदुस्तान इस रूप में देगा उसे यकीन नहीं हो रहा। खिसियाई बिल्ली अब खंभा नोचने लगी है। देश में गुस्सा है। 20 शहीदों को जो खोया है। चीन तो सबक सीखेगा क्योंकि तेवर तल्ख हैं। आगे आगे देखते जाइए, आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन को दिन ब दिन झटका लग रहा है। एक झटके में फैसला हुआ कि चाइनीज ऐप अब भारत में नहीं चलेंगे। सरकार ने प्रतिबंध लगाकर चीन को झटका दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नजीर पेश करने में देर नहीं की। उन्होंने फौरन वीबो ऐप पर अपना अकाउंट डिलीट करने का फैसला कर लिया। वीबो ऐप पर पीएम मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स थे। दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इसमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट जैसे ऐप शामिल हैं। कई चीनी ऐप पर भारतीयों का डेटा चोरी करने का आरोप लग रहा था। यह कदम आईटी एक्ट 2000 के मुताबिक उठाया गया है। भारत सरकार ने जितने भी चीनी ऐप बंद किए हैं वो चाइना के दो शहर शेंचेन और हांगझोउ से चलते थे। ये चीनी ऐप बहुत बड़े बड़े ऐप हैं। इनके बैकएंड में, इनके अपडेट में बहुत सारे लोग काम करते हैं। इन ऐप का बंद होना या इनका कारोबार का कम होना इन शहरों की अर्थव्यवस्था पे सीधा सीधा असर करेगा और साथ में इन शहरों के रोजगार पे भी सीधा सीधा हमला होगा। चीन को यह झटका सबसे नया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी चीनी कंपनी को देश के किसी हाईवे प्रोजेक्ट में मौका नहीं मिलेगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, अगर चीन की कोई कंपनी भारतीय कंपनी की साझेदार है तो उसे भी मौके से हाथ धोना पड़ेगा। इसका फरमान तो पहले ही जारी कर दिया गया था, अमल का इंतजार था। उस पर भी मुहर लग गई है। BSNL और MTNL ने अपना 4G टेंडर रद्द कर दिया। सरकार ने दोनों कंपनियों को चीनी सामान नहीं खरीदने के निर्देश दिए थे। चीन के खिलाफ गुस्से का असर व्यापक तौर पर हुआ है। कई राज्य सरकारें भी इस राह पर चल पड़ी हैं। कुछ दिन पहले रेलवे ने 471 करोड़ के सिग्नलिंग प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने चीन से करीब 5,000 करोड़ की डील रद्द कर दी। हरियाणा ने भी चीन की कंपनियों का 780 करोड़ का ऑर्डर रद्द किया। यूपी सरकार भी फैसला ले चुकी है कि बिजली विभाग चीन के बिजली मीटर का इस्तेमाल नहीं करेगा। हिंदुस्तान ठोकर पर ठोकर दे रहा है तो दुनिया के दूसरे देश भी पीछे नहीं। चीन ने अपनी करनी से कई देशों को नाराज किया है और अब वही देश उसकी आर्थिक कमर पर चोट दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जर्मनी की एक जूता कंपनी ने लाखों डॉलर का कारोबार चीन से समेट लिया था और यूपी की एक कंपनी से तालमेल कर लिया। मतलब साफ है, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी चीन घुटने टेकेगा। चीन ने दुश्मन पाले हैं तो भारत ने दोस्त। रूस चीन को आईना दिखा चुका है। अमेरिका तो परंपरागत दुश्मनी निभा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान भी कमर कस चुके हैं। भारत ने जिस तरह से अपनी कूटनीति की बिसात बिछाई है वहां शह मात के खेल में ड्रैगन की मात होनी पक्की है। दिल्ली से गीता मोहन और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।